वन प्लस ने इंडिया में प्रीमियम फोन्स की मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है और वन प्लस एक खुद प्रीमियम फोन्स की बात की जाए तो उसमें पहले नंबर पर आता है इस समय। जी हाँ, वन प्लस की बात करें तो वन प्लस 6 और 60 की पॉपुलरिटी इतनी थी कि उसके बाद अब वन प्लस 7 को लेकर काफ़ी सारी खबरें वन प्लस 6 और 60 के लॉन्च होने के बाद से आ रही थी कि वन प्लस 7 कब आएगा। तो वहीं कुछ समय से कहा जा रहा था कि वन प्लस 7 आने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं वन प्लस 7 को लेकर कि वन प्लस 7 कब, कहाँ, कैसे आएगा और उसकी स्पेसिफिकेशन, जो एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन होंगी फ़ोन की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। तो चलिए आपको बताते हैं कि वन प्लस 7 की स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी और फ़ोन कहाँ आएगा और कब आएगा। तो आपको बताते हैं कि वन प्लस 7 का लॉन्च इवेंट आज रखा गया है। वन प्लस इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप इसको लाइव देख सकते हैं शाम के 6:30 बजे से। जी हाँ, शाम 6:30 बजे से वन प्लस 7 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। उसका एक लॉन्च इवेंट रखा गया है जो YouTube पर लाइव देखा जाएगा, वन प्लस इंडिया के YouTube चैनल पर। खैर, ये तो अलग बात है, वन प्लस 7 को लेकर ये खबर अब क्लियर हो चुकी है कि वन प्लस 7 आज आ जाएगा। अब बात की जाए वन प्लस 7 जो आ रहा है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं उसके बारे में। जो वन प्लस 7 की एक्सपेक्टेड जो स्पेसिफिकेशन अभी तक सामने आई है उसके अगर बारे में बात की जाए तो उसकी एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हैं। इसके अंदर ऑक्टा कोर का 2.84 GHz स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर होगा। अब बात की जाए इसकी डिस्प्ले की तो 6.4 इंचेस की ऑप्टिक ऑमलेट डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलेगी। और अगर इसके आगे बढ़ा जाए कैमरे का, जो इसका वन प्लस का सबसे अहम भाग रहता है इसके फ़ोन में, वो होता है इसका कैमरा। अगर कैमरे पे आया जाए तो इसका मेन कैमरा 48 MP का मिलेगा। तो वहीं आपको दूसरा कैमरा जो इसका होगा वो 16 MP का मिलेगा, जिसको बोके मोड भी और डेप्थ इफेक्ट भी कहा जाता है, वो आपको 16 MP का मिलेगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक वाइड एंगल कैमरा भी लगा होगा जो करीब 16 MP का वो भी हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इसका जो फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा भी वन प्लस 7 का 16 MP का आपको मिलने वाला है। अब आते हैं इस फ़ोन की बैटरी पे। जी हाँ, इस फ़ोन की बैटरी पे काफ़ी खास ध्यान दिया गया है। इस फ़ोन को एक बेहतरीन पावर दी गई है। इस फ़ोन को 4000 mAh की बैटरी दी गई है और साथ में इसमें टाइप सी चार्जर और वूक चार्जिंग और रैप चार्जिंग भी दी गई, जिससे फ़ोन मिनटों में ही आपके लिए चार्ज हो जाएगा, जिसको आप करीब घंटों भर से अधिक, 7 घंटे से अधिक यूज़ कर सकते हैं करीब एक बार 5 मिनट चार्ज करने पर। अब आए इसके फ़ोन के थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशन के आगे बढ़े तो ये फ़ोन स्प्लैश प्रूफ मिलने वाला है। जी हाँ, वन प्लस के इससे पहले कोई फ़ोन भी स्प्लैश प्रूफ नहीं थे, वन प्लस 7 अब स्प्लैश प्रूफ में आने वाला है। और बात की जाए इसके गोरिल्ला ग्लास की तो इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 6 मिलने वाला है आपको। वहीं बात की जाए इस फ़ोन के स्टोरेज की, इंटरनल स्टोरेज के बारे में, तो ये कहा जा रहा है कि फ़ोन की शुरुआत ही 128 GB इंटरनल स्टोरेज से की जाएगी, पर इसके बारे में अभी भी कोई जानकारी कंफर्म नहीं है। ये एक्सपेक्टेड इसके रेशियो बताया जा रहा है कि 128 GB में इसका पहला मॉडल जो होगा, जो सबसे लोएस्ट मॉडल होगा, वो 128 GB में आने वाला है। अब जब इतनी सारी स्पेसिफिकेशन बात कर ली जाए, इतनी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही हैं, वहीं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको मिलेगा। और बात की जाए अगर इस फ़ोन के क्रोम के, तो इसके बताया जा रहा है कि फ़ोन एक बिल्कुल बीजल लेस डिस्प्ले होने वाली है और इसका कैमरा ऊपर से कैमरा, इसके बॉडी में से कैमरा निकलेगा और जब आप फ्रंट कैमरा पर क्लिक करेंगे तो कैमरा अप होगा और बैक करेंगे तो कैमरा डाउन हो जाएगा। अभी देखना होगा कि ये सारी स्पेसिफिकेशन सही होती हैं या नहीं, तो ये तो समय बताएगा। पर जब इतने सारे आपको प्रीमियम फीचर्स इस फ़ोन में मिल रहे हैं तो आप खुद ही समझ गए होंगे इस फ़ोन का दाम भी एक प्रीमियम दाम होने वाला है। जी हाँ, इस फ़ोन का एक्सपेक्टेड प्राइस अभी तक 39,990 रुपये बताया जा रहा है। जी हाँ, 39,990 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में इसकी ये कीमत अभी तक बताई जा रही है। खैर, इस फ़ोन के जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो इसका प्राइस होगा, जो भी कुछ है, उन सब से आज शाम 6:30 बजे पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि वन प्लस 7 का आज ऑफिशियल लॉन्च इवेंट है। इसमें आपको फ़ोन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, फ़ोन कैसा होगा, फ़ोन का लुक क्या होगा, फ़ोन कब मिलेगा। खैर, ये तो तय है कि फ़ोन जो है कि उसकी सेल अमेज़ॉन पर होगी और वन प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट और वन प्लस के स्टोर्स पर आपको ये फ़ोन मिलेगा, 3 जगह ही आपको ये फ़ोन मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। खैर, अब ये देखना है कि जो फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, ये एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है, ये कितनी हद तक सही होती है। इस फ़ोन को लेकर हमारे पास कोई और अपडेट आएगा तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।